नेक्स्ट जो बात हो रही है वो कम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखें, हमारे पास कोई भी एक पेयर है ए और बी, इसे हम कोमा के फॉर्म में लिख दें, ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करें ना, तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को, कम्प्लेक्स नंबर का ही ऑर्डर्ड पेयर है, कम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर्ड पेयर, तो इसको हम जब ऑर्डर्ड पेयर को हम कहें ना ओपन करें, कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही हो तो इसको हम हमेशा ऐसे ओपन करेंगे, ये ए आ गया और दूसरे वाले के साथ क्या आ गया, अयोटा, ये इस चीज़ के इक्वल होता है। ये आपने बात याद कर लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो। अब देखें, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर को लेते हुए दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हम कैसे करेंगे? देखें, मैं आपको ना उसके कंपैरिजन के साथ दिखाती हूँ। जैसे सिंपल एक कम्प्लेक्स नंबर था, हमने जब उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये इसकी इक्वल आता है, ये आंसर आता है, ठीक है, ए प्लस सी प्लस डी प्लस डी होता। और अब देखें, ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी ए होता प्लस एंड सी प्लस डी होता। अब यहाँ पे प्लस नहीं है, दरमियान में कोमा है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं था, ये वही है जो भी मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। अब मैंने किसी ऑर्डर्ड पेयर दिया गया, उसको मैंने ऐड करना हो तो वो मैं कैसे ऐड करूँगी? देखें, ये उसका तरीका ये है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूँगी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी लिख दिया, जैसे ही ऊपर है ए प्लस सी लिखा, अब यहाँ पर मैं लगाऊँगी कोमा एंड बी प्लस डी। ये एक ही चीज़ है लेकिन एक डिफरेंस है, देखिए वो कैसे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आपको दोबारा दिखाती हूँ। जैसे अगर मैं ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर मैं इसको ए प्लस बी अयोटा लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे बात हो रही है ए प्लस सी की और बी प्लस डी, मीन्स के एक ये एक टर्म बन गई है, यहाँ पे ए एक टर्म थी और बी ए टर्म, अब यहाँ पे ये है तो एक ही टर्म ना, चाहे जो भी चीज़ ऐड हो रही हो है तो एक ही टर्म, दरमियान में क्या है, कोमा है, ए प्लस, यहाँ पे एक की जगह ए प्लस सी आ गया, यहाँ पे बी की जगह बी प्लस डी आ गया, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? जैसे यहाँ पे केला ए लिखा था, इसी तरह यहाँ पे मैं सिंपल ए प्लस सी लिख दूँगी, ठीक है, और प्लस बी प्लस डी के, मैं यहाँ पे सिंपल बी के साथ अयोटा लगाया था, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बी प्लस डी के साथ अयोटा लगा दूँगी, ये देखो बी प्लस डी के साथ अयोटा लगा दूँगा। तो इसी तरह अब अगर आपको याद है कि हमने जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं हमारे पास ये आंसर आता है, तो इसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना, तो मैं ऐसे लिख दूँगी, ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड किया, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये आ गया। ये थोड़ा सा आपने बस ध्यान रखना है जब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं कैसे करूँगी, ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी, ये मेरे पास आ गया ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी। और अब जब मैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं क्या करना था, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस सेकंड को सेकंड के साथ, फिर प्लस का साइन लगाना था, फर्स्ट को लास्ट के साथ, और यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन आना था, फर्स्ट को लास्ट के साथ और प्लस सेकंड को फर्स्ट के साथ। ये मैंने आपको तरीका बताया, तो इसमें भी देखिए ऐसे ही है, मैंने यहाँ पे किया फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस सेकंड को सेकंड के साथ, जैसे ऊपर इसी तरह ही आ रहा है ना, ऊपर मैंने क्या किया प्लस लगाया, मैं यहाँ पे लगा दूंगी कोमा, अब फर्स्ट को लास्ट के साथ प्लस सेकंड को फर्स्ट के साथ, बी सी, ये इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, यही चीज़ है, बस ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अब आ रही है, तो ये डिफरेंस है। अब देखें, मैंने आपको सिंपल बताया, अब यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए, ये आपने खुद करनी है, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स, इनके आपने सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट बताने हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए ओटा की फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, एट और नाइन और फाइव और माइनस सिक्स, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे है एक ऑर्डर्ड पेयर है एट एंड नाइन, और एक ऑर्डर्ड पेयर है फाइव माइनस सिक्स। अब देखें, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको इसी फॉर्म में रखते हुए डायरेक्टली इनको ऐड कर लूँ, सब्ट्रैक्ट कर लूँ, या तो मैं इसको पहले कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करूँ। इस तरह मैंने बताया ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने बताया कि ए बी को मैं ए प्लस बी अयोटा लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर ए एट मतलब ये ए है, नाइन मतलब ये बी है, तो मैं इसको एट प्लस नाइन अयोटा लिख सकती हूँ, और इसको मैं फाइव माइनस सिक्स अयोटा लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है।
अब देखिए मैं इसको पहले क्या करूँगी, ऐड करूँगी। मैंने 8 और 9 और 5 माइनस 6 को ऐड किया। अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करना चाहते हैं उसमें कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब दो ऑर्डर पेयर को मैंने बताया कैसे ऐड करते हैं, 8 और 5 को ऐड किया, दरमियान में कॉमा, और 9 और -6 हो गया, ये 13 आ गया, और ये क्या आ गया, 3 आ गया, ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसी तरह इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी और सब्ट्रैक्ट करूँगी, ये आपको अब इजीली पता चल जाएगा कैसे करना है। क्योंकि जब मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को, क्या कहते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई करना है ना। अब पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने फर्स्ट को पहले मल्टीप्लाई किया है, 40 माइनस 9 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया, मैं सब यहाँ से लिख देती हूँ, फिर कोमा, फर्स्ट को लास्ट के साथ मतलब 8 को -6 का मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड को फर्स्ट के साथ 9 इंटू 5। अब देखें ये आ गया 40, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 54 कोमा -48 45। तो ये आ गया मेरे पास, इनको मैंने ऐड किया 94, और ये मेरे पास आ गया -3। देखें ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपने बस अब आपने एक्सरसाइज देखनी है जो 1.2 है, ये मैंने आपको बता दिया है योटा की पावर आ जाए तो कैसे हम करेंगे, आपने ये सॉल्व करना है। उसके अलावा आपने ये जो उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड अब अभी सिर्फ 10 तक कर लो, ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये आपने करनी है, इनको सिंप्लीफाई करना है। मीन्स इन दोनों को ऐड किया, ये सिंपल माइनस हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कैसे करेंगे।